यूनिटी रियलिटी इस कंपनी में रियल एस्टेट का काम होता है। इस कंपनी के मालिकों का कहना है कि उन्हें एकजुट होकर काम करना है, इसलिए उन्होंने यूनिटी रियलिटीज खोला है और उसका नाम यूनिटी रियलिटीज दिया है। यह कंपनी NATP प्लॉट बेचने वाली है। पाशिनी रोड पर और नागपुर के आसपास के सारे तहसील में इस कंपनी की शुरुआत हो चुकी है। पूरे नागपुर वर्ष में पहले ऐसी कंपनी है कि जिसकी शुरुआत होते ही इस कंपनी में 150 लोग कार्यरत है और इस कंपनी का 20 जून को लेआउट आने वाला है। और हाल ही में इस कंपनी के कार्यालय का दीक्षित नगर में उद्घाटन किया गया, जहाँ सैकड़ों लोग उपस्थित थे। इस कंपनी में काम करने वाले लोग पिछले 6 से 7 साल से प्रॉपर्टी क्षेत्र में काम कर रहे हैं। अब तक कंपनी में के मालिकों ने कई लोगों को क्लियर प्रॉपर्टी बेची है। इसके लिए सभी ने मिलकर इस कंपनी की स्थापना की, जिसका नाम यूनिटी रियलिटीज रखा। कंपनी का केवल एक ही उद्देश्य है, वो लोगों को क्लियर प्रॉपर्टी दिलाना। जो लोग आज प्रॉपर्टी के सेक्टर में पहुंचते हैं, उन्हें सबसे पहले प्रॉपर्टी का अनुभव बताते हैं और उसके बाद में लोगों को बताते हैं कि जहां पर प्रोजेक्ट आने वाला है, वैसे ही जगह पर आप प्लॉट लीजिए। इस प्रकार से एकत्रित होकर कंपनी के लोग काम करते हैं, इसलिए उन्होंने अपने कंपनी का नाम भी यूनिटी रियलिटीज रखा है और इनकी यूनिटी के कारण से आज यह कंपनी की स्थापना हुई है। इस कंपनी की स्थापना करने वाले में दमदीप खोबरागड़े, रवि वर्मा, किशोर तांडेकर और अन्य सहयोगी शामिल है। BCN न्यूज के लिए अभिषेक पांसे की रिपोर्ट।